नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करूंगा एक नए प्रोडक्ट का जिसका नाम है सिलिबोन सस्पेंशन। ये मेरे हाथ में इसकी बोतल है, माइक्रो कंपनी द्वारा ये बनाया जाता है। 100 ml की पैकिंग में मेरे पास बोतल है। मैं आपको जो खोल के दिखा देता हूँ, सबसे पहले इसके इस शेप की बोतल आती है और इसके ऊपर मेजरिंग कैप भी आपको उपलब्ध रहती है। दोस्तों, बात करते हैं कि सिलिबोन में आखिरकार क्या है। इसके अंदर जो साल्ट मिलाया जाता है या एक साल्ट की प्रिपरेशन डाली जाती है, उसे बोलते हैं सिलिमराइन। बेसिकली सिलिमराइन लीवर के क्रोनिक डिसीज या लीवर सिरोसिस के काम में आता है। जब आपको लीवर की दोनों डिसीजेज हो जाती हैं तो उस टाइम पे इस मेडिसिन का रोल स्टार्ट होता है। तो हम बात करेंगे इस अपनी वीडियो के मेन कंटेंट में इसके फायदों को लेकर, इसके नुकसान को लेकर, क्या इसके प्राइजेज हैं, क्या इसके डोज हैं, कब इसे लेना चाहिए और कौन इसे ना ले। तो दोस्तों, अगर बात करें सिलिबोन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिमेरिन सस्पेंशन एक लीवर के लिए आता है और इस ये टेबलेट फॉर्म में भी उपलब्ध है। तो जो कोई एक सस्पेंशन को पीने में दिक्कत महसूस कर रहा है, वो टेबलेट फॉर्म में भी इसका यूज कर सकता है। दोस्तों, ज्यादातर एल्कोहलिक फैटी लीवर जब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में लीवर का अपने आप को मेंटेन करना या वापस अच्छी स्थिति में आना एक बहुत ही जटिल कार्य हो जाता है। ऐसी कंडीशन में सिलिमराइन बहुत अच्छा रोल वहां प्ले करता है और एल्कोहलिक फैटी लीवर को ठीक करने का काम करता है। जो उसमें टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने का काम करता है और साथ में जितने भी उसके अंदर से सिक्रेशन हो रहे हैं, उन सिक्रेशंस को बहुत अच्छे से एंजाइम्स को निकालने का काम करता है। नॉर्मल फैटी एसिड्स में भी ये यूजफुल है। अगर फैट के द्वारा नॉर्मल फैटी एसिड्स हो गया है, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ सिलिमराइन का सेवन करें तो आपको ये काफी अच्छा लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये किस कंडीशन में आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको हेपेटिक कंडीशंस हुई है, नई तरह की आपको लीवर की डिसीज हुई है और स्टेज वन में ही पकड़ में आ गई है, अर्थात पीलिया की तरफ नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले ही आपको पता चल गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका सेवन करना स्टार्ट कर दें। ये आपकी कंडीशन को डिटोरिएट नहीं करेगा और वहीं पे चेक करके धीरे 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 ठीक करना स्टार्ट कर देगा। खास बात ये रहे दोस्तों कि इस दौरान आपको स्मोकिंग और एल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि स्मोकिंग और एल्कोहल दोनों ही लीवर के लिए नुकसानदायक है और ये अपना पूरा प्रभाव वहां पर नहीं दे पाएगा। साथ में अगर आपको लीवर सिरोसिस हो गया है, तो बेसिकली जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि लीवर सिरोसिस का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल और केवल लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपचार है। और लीवर ट्रांसप्लांट जो कि एक ईजी पद्धति भी नहीं है और आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आमतौर पर हिंदुस्तान में बहुत से लोग लीवर सिरोसिस से एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ उससे हो जाती है। तो आप इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपना जांच टाइम टाइम पे कराते रहिए और अगर आपको लीवर से संबंधित कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो लीवर सिरोसिस से तक ना पहुंचे, और अगर पहुंच चुकी है तो उसे वहीं पे ही कुछ टाइम रोके रखने के लिए आप सिलिमेरिन का यूज कर सकते हैं। अगर आप स्तनपान कराने वाली महिला हैं या गर्भवती महिला हैं, तो कृपया अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से पूछकर ही इसका सेवन करें। आप इसे पीकर हैवी मशीनरी का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा एसएच साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बात करें अगर अलग साइड इफेक्ट्स की, तो ये थोड़ा सा पेट को पतला कर देता है, अर्थात दस्त वगैरह आ सकते हैं, थोड़ी सी फ्लटेंसी आ सकती है, नोजिया की फीलिंग हो सकती है, साथ में किसी किसी को उल्टी आने की शिकायत भी हो जाती है। ये सब ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो सबसाइड हो जाते हैं और इजीली हर किसी में देखने को नहीं मिलते। बहुत अच्छे डाटा में, बहुत ज्यादा लोगों में देने के बाद बहुत कम लोगों में ये साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं। साथ में बालों का झड़ना, थोड़ा सा आई साइड वीक होना, ये दो ऐसे क्रिटिकल साइड इफेक्ट्स हैं इसमें जो देखने को मिल जाते हैं, वो भी एक रेयर कंडीशन है। बट अगर आपको ऐसा ये लंबे टाइम तक रहता है, तो अपने चिकित्सक से संपर्क कीजिए और अपनी सारी जो भी आपको परेशानियां हैं वो बताइए, और जैसा आपका चिकित्सक आपको जो परामर्श दे रोकने की या डोज चेंज करने की, तो आप ऐसा ही कीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज को लेकर। तो बेसिकली डोज डिपेंड करता है आपके कंडीशंस के ऊपर। आपको अगर लिवर सिरोसिस है और आपका जितना वेट है उसी अनुसार से इसका डोज होगा।
तो डोज के लिए आप अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। साथ ही साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, आप इसको स्वयं लेकर ना यूज करें, हमेशा अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसे खरीदें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक अवश्य दें। साथ ही साथ मेरा ये चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा घंटे का बटन दबाकर छोड़ दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।